मणिपुर से जो है तस्वीरें भी सामने आई हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर में ये झड़प की बिल्कुल ताजा तस्वीरें, विष्णुपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और वहां पर ये झड़प चल रही है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है। देखिए मौजूदगी है सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मणिपुर में क्या हालात है आप देख सकते हैं। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर देखिए पुलिस की मौजूदगी में, वहां पर सेना की मौजूदगी में, जवानों की मौजूदगी में ये हिंसा चल रही है। इससे आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर अशांत है। विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीएम बताएं वहां की स्थिति के बारे में, कोर्ट में इस मामले में क्या क्या टिप्पणी हुई है वो सबने देखी है। लेकिन इस बीच में देखिए किस कदर पत्थरबाजी वहां चल रही है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हो, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, तो कैमरे में कैद है ये पत्थरबाजी की तस्वीरें, ये देश दुनिया सभी देख रहे हैं। देखिए ये विष्णुपुर मणिपुर का इलाका आज तक एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को आप सभी के बीच रख रहा है, साझा कर रहा है। देखिए जरा किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और तमाम महिलाएं भी इसमें मौजूद है। यहाँ पुलिस और जो वो रैपिड एक्शन फोर्स को कह रहे हैं यहाँ से जाइए बफर जोन में, यहाँ आपको नहीं आना है। और वहाँ महिलाएं भागती हुई, देखिए महिलाएं यहाँ से भाग रही हैं, जो इस तरफ पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश की। भारी भरकम गोलाबारी, देखिए पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं दिखाई देगा, इतनी अंधाधुंध गोलियां यहाँ पर चली हैं इस पूरे इलाके में। ये किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है, ये एक बैटलफील्ड जैसा बन गया है। हालांकि वहां रैपिड एक्शन फोर्स के लोग ये बता रहे हैं, देखिए उन पर पत्थर फेंके गए, उन पर लकड़ियां फेंकी गई, उसके जवाब में उन्होंने रिटेलिएट किया है। इतनी गोलीबारी, यहाँ पर एक ऐसा मंजर रूह कपा देगी, इतनी गोलीबारी, इतनी भीषण गोलीबारी। आपको फिर एक बार इस इलाके में लिए चलते हैं जहां हमने हम छुपे हुए जैसे गोलीबारी शुरू हुई। और संजय को हम वही सर से आगे निकलने की कोशिश करी, ये इलाका से उसको दिखा दे, देखिए यहाँ बस के रहना कितना मुश्किल था। देखिए सब बुलेट किए निशान बताते कैसे मणिपुर के आखिर हालात कैसे हैं। बहुत मुश्किल हुई है पुलिस और सुरक्षा बलों को हालात पर नियंत्रण करने के लिए कि लोगों को यहां से पीछे भेजा जाए। विष्णुपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक। ये आरएएफ आगे बढ़ रही है, ये हिंसा के निशान है। हालांकि जो बुलेट शेल्स फायर हुए हैं पुलिस इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और वहां से इतनी भारी भरकम गोलाबारी हुई है, ईंट पत्थर के निशान, पूरे इलाके में सिर्फ धुआं भरा हुआ है। जो महिलाएं थी वो छुप गई है, देखिए कई पुलिस वालों जिनकी आंखें जल रही हैं वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को चोट आई है गंभीर। और देखिए दूसरी तरफ तमाम पूरा जो हुजूम है उनको यहां से लगभग 300 मीटर पीछे कर दिया गया है। यहां एक तरफ अख्तरबंद गाड़ियों में मणिपुर पुलिस है और दूसरी तरफ केंद्रीय बल है जो कि बफर जोन की पर तैनात है, ये कोशिश में कि लोग आगे ना जाए ताकि जो स्थिति है वो ज्यादा हिंसक ना हो, हिंसा ना बढ़के। और यहां पर आप देख पा रहे सिर्फ और सिर्फ हिंसा के निशान, इतनी गोलियां, इतने गोले चले हैं और वो बेहद डरावना मंजर था। अब हालांकि आपस में बातचीत की गई मणिपुर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में कि गोलाबारी रोकी जाए, कि लोगों को पीछे हटना था, कि यहां पर आगे ना जाए, कन्फ्रंटेशन ना हो। और अब फिर से एक बार आरएएफ ने इस इलाके में मोर्चा संभाल लिया। आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के हालात कैसे हैं। विष्णुपुर से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।